नमस्कार दोस्तों, यदि आप अपने गार्डन में एक ऐसे फोलियज प्लांट को ऐड करना चाहते हैं जिसमें फ्लोरिंग भी होती हो और जो अन्य सभी पौधों से अलग दिखाई दे, तो आप इस प्लांट को ऐड कर लीजिए। ये प्लांट है पर्पल हर्ट। इसके पत्तों की सुंदरता देखिए, इसके पत्ते पर्पल कलर के होते हैं, इसीलिए ये प्लांट अन्य सभी पौधों से अलग दिखाई देता है। और इसके हर्ट की शेप के फूल खिलते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इस पौधे में लाइट पिंक कलर के बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये एक बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट होता है जो आसानी से अपनी ग्रोथ करता रहता है, और इसकी एक ब्रांच से देखिए बहुत सारी ब्रांचेज बन जाती हैं। यदि आप इसकी एक छोटी सी ब्रांच भी एक गमले में लगा देते हैं तो ये इतना फैल जाता है कि उसको फिर काटना पड़ता है। यदि आप इस प्लांट के डार्क पर्पल चमकदार कलर को बनाए रखना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में ना रखें। अधिक सनलाइट की वजह से भी पौधों के पत्तों का कलर फेड हो जाता है। यदि आप इस प्लांट को ऐसी लोकेशन प्रोवाइड करते हैं जहां इस पौधे पर फिल्टर्ड सनलाइट गिरती रहे तो इसके पत्तों का डार्क पर्पल कलर बना रहेगा। वैसे तो ये प्लांट किसी भी प्रकार की मिट्टी में ग्रो किया जा सकता है, हर प्रकार की मिट्टी में इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। मगर यदि हम इस प्लांट को बालू मिट्टी में लगा देते हैं तो इसमें नए नए बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और ये पौधा जल्दी ही घना बन जाता है। इस प्लांट को घना बनाने के लिए इसकी ब्रांचेज को प्रून कर दिया जाए तो इसकी एक ब्रांच के साइड से कई छोटी छोटी ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाएंगी और इस प्रकार ये पौधा घना बन जाएगा। इस प्लांट की कटिंग को किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। अब आप बरसात के सीजन में भी आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। अब बरसात के मौसम में हमें इस पौधे की देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, क्योंकि इसकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती है। ओवर वाटरिंग से इसकी स्टेम गल जाती है। यदि हम इस प्लांट को छायादार लोकेशन में रख देते हैं जहां बिल्कुल भी इसको धूप नहीं मिलती है तो ये प्लांट अपने पत्तों का कलर चेंज कर लेता है। इसके पर्पल कलर के पत्ते ग्रीन कलर के हो जाते हैं। इस पौधे की ग्रोथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप इसको छायादार लोकेशन में रखिए, चाहे आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, चाहे आप इसको सेमी शेड एरिया में रखिए, कहीं भी आप इस प्लांट को रख दीजिए, इसकी ग्रोथ रेगुलर होती रहती है। आप इस प्लांट की कटिंग छोटे से छोटे साइज के कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं और बिना किसी रूटिंग हार्मोन के और बिना खाद या फर्टिलाइज़र डाले ही इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। मैंने इस प्लांट को जब से लगाया है मैं इसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करता हूं, मगर फिर भी देखिए ये अपने आप अच्छी ग्रोथ करता रहता है। यदि इसकी स्टेम टूट जाती है तो वहाँ इसकी दो चार स्टेम और निकल आती हैं और ये पौधा घना बनता जाता है। बिना किसी एक्स्ट्रा केयर और देखभाल के देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए इसकी कटिंग को काट कर 2-3 दिन के लिए छायादार लोकेशन में रख दिया जाता है, उसके बाद इसकी कटिंग को ग्रो किया जाता है। इस प्रकार कटिंग लगाकर इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।